दिल्ली नगर निगम चुनाव में जहां प्रत्याशी अपनी पार्टी के द्वारा किए गए कार्य गिनवाकर वोट मांग रहे हैं, वहीं नरेला विधानसभा वार्ड नंबर 4 अलीपुर के नया बास की जनता का दर्द सामने आया। जब टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज की टीम चुनाव रैली को कवरेज करने के लिए नया बास गई तो क्षेत्र के लोगों ने कहा, यहाँ सिर्फ वोट मांगने आते हैं फिर भूल जाते हैं। नया बास होलंबिया खेड़ा खुर्द गांव भी नरेला विधानसभा नंबर 1 का ही हिस्सा है। सड़क के किनारे फुटपाथ की वर्षों से गांव के लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के नेता ने हमारी ये मांग नहीं सुनी, जिसका नुकसान हमें अपने गांव के अनेक लोगों की सड़क दुर्घटना में जान गंवाकर चुकाना पड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यही हालत अलीपुर गाँव के भी है, जहाँ फुटपाथ नहीं होने के कारण हमेशा खतरा मंडराता रहता है। काम क्या आपका? कहाँ रहते हैं आप? छोटी मेट्रो में। तो ये समस्या क्या है यहाँ पे आप लोगों को? सर यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है और रास्ता नहीं है क्रॉसिंग करने का। यहाँ आते जाते एक्सीडेंट होते रहते हैं, मोस्टली बात यही है। यहाँ फुटपाथ नहीं है, यहाँ फुटपाथ होना जरूरी है। रास्ता नहीं है, फुटपाथ है। क्या नाम आपका? पूनम देव। कहाँ के रहने वाले हो? अलीपुर। क्या समस्या क्या आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? हमें बच्चे आते जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है, फुटपाथ नहीं है ना, इसलिए बड़ा दिक्कत होती है दुर्घटना होने। साइड में चलते को मारना दें गाड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नया बास। और इस समय निगम के चुनाव चले हुए हैं और सभी प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं, गले गली घूम रहे हैं, हर लोगों से बातें कर रहे हैं। तो हम भी हर जगह जाकर बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, हर लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। क्या वो पिछले जो विधायक या निगम पार्षद रहे उन्होंने शोल की या नहीं की, और क्या उन समस्याओं की तरफ उन लोगों ने देखा या नहीं देखा, वो भी चीज़ जान लेते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर बुजुर्ग हैं। सर नाम क्या है आपका? मान। सर पूरा नाम? के आर मान जी। के आर मान जी, अगर मैं बात करूँ अब आपके यहाँ की जो जेन्युइन जो समस्या है वो क्या है, जो सबसे मेन है? ये मैंने आपको इससे पहले ही बताया, आपको मेन प्रॉब्लम हमारे गांव की रोड की फुटपाथ की है। और कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, नो बॉडी बॉदर हियर किसी बारे में। जो भी पता चल जाता हम पहले उसके लिए डिमांड रखते हैं कि आप हमारा ये फुटपाथ बनवाएं, फुटपाथ नहीं तुरंत बना दीजिए इलेक्शन से पहले भी। दूसरी है कि इसके अंदर कोई बहुत अधिक फाइनेंस की जरूरत नहीं है, केवल 600 रुपये की डेली की 8-10 लेबर ले जाके केवल वो सफाई करानी है, और हो सके तो उसके अंदर ईंटों का खड़ंजा बैठा दे ताकि जो पैदल आने जाने वाले साइकिल वाले उसे निकल जाएं। तो यहाँ पे जो पहले जो जितने भी प्रतिनिधि आए हैं या विधायक आए हैं, तो क्या आपने उन लोगों को समस्या बताई नहीं थी पहले? नहीं, प्रतिनिधि आते ही कहाँ है इस एरिया में, चाहते नहीं है। बहुत नए के बराबर हमें दिखाई नहीं दिया आज तक कोई। हमारा तो पहले कांग्रेस में तो भगत खड़े होते थे एमपी, उस टाइम भी नहीं आते थे, एक दिन आता था वो केवल। अच्छा, 5 साल में चुनाव का टाइम एक, उसको हमारी वोटों की भी इतनी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तो काफ़ी ये जे कॉलोनियाँ उनके अंडर में थी, कृष्ण यदमुना पार तक, तो सारे उसी के वो बॉर्डर ही निकलते थे। तो मेन प्रॉब्लम तो ये हमारे कितने एक्सीडेंट यहाँ हो चुके हैं, बुजुर्ग लोग तो इस रोड से जाना ही बंद कर दिया उन्होंने, गांव के अंदर ही गलियों में अपने मॉर्निंग में वॉक कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और ये तो एक मेन चीज़ है। ये पता तो नहीं, स्कूल के बच्चे भी तो आते जाते होंगे यहाँ से? नहीं, स्कूल के बच्चे तो वैन लगी हुई हैं, रिस्क तो इज देयर। नहीं, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए तो वैन नहीं हो सकती ना? नहीं, प्रॉब्लम तो उन लोगों को, प्रॉब्लम तो उनको तो सबसे अधिक है।
बहुत अधिक, कुछ तो बेचारे जो कच्चे में से निकल के झाड़ियों में से निकल के जाते हैं, रोड पर चढ़ते नहीं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं अब से पहले, और यहाँ तक कि कांग्रेस का भी कार्यकाल जो है उन्होंने गिनवाया है, कि उन लोगों के सामने भी यहाँ की समस्या रखी गई लेकिन आज तक कोई सॉल्व नहीं की गई। उसके साथ साथ में यहाँ जो सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब पहले शायद व्हीकल कम हुआ करते थे, लेकिन जब से बवाना इंडस्ट्रीज एरिया हुआ है तब से यहाँ पर एक तरह का हाईवे यहाँ बन चुका है, और जिसको लेकर यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ जितना व्हीकल ज़्यादा होता जा रहा है उतनी ही ज़्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। बुज़ुर्ग का कहना है कि यहाँ पर मान साहब ने जो बताया है कि गांव के जो बुज़ुर्ग हैं वो कोशिश करते हैं अगर गांव से बाहर निकल कर थोड़ा टहलने की, तो सड़क पर आते हुए उनको डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर हादसे इतने हो चुके हैं। और उसके साथ साथ में सबसे जेन्युइन समस्या है कि स्कूल के बच्चों की, कि स्कूल के बच्चे जो स्कूल आते जाते हैं तो उन लोगों की यहाँ सबसे बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि अगर आप बाहर खड़े होंगे सड़क को अगर आप देखेंगे तो शायद ही कोई सेकंड रुकती होगी जब गाड़ियाँ नहीं आ रही हों, तो यहाँ पर सड़क को पार करने में भी समस्या खड़ी होती है। यहाँ पर कोई जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं बनाई गई है, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। और उसके साथ साथ में जो बुज़ुर्ग का कहना है कि यहाँ आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। अब देखना होगा कि अब जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो इस समस्या को सुनते हैं, या वो भी पिछले वालों की तरह कानों में उंगली डालकर और आंखों पर पट्टी बांधकर आराम से राज करकर फिर 5 साल के बाद दिखाई देने की कोशिश करते हैं। चलिए बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। जान लेते हैं यहाँ पर जो गांव के और भी निवासी हैं उनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं, क्या उन्होंने जनप्रतिनिधियों को पहले विधायक को और जो काउंसिल रहे हैं यहाँ पे उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी दी है या नहीं दी है, और किस तरह की समस्या यहाँ खड़ी हो रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सतेंद्र माल। सतेंद्र जी क्या समस्या हो रही है, क्या समस्या के लिए आपने कभी विधायक और यहाँ के जो काउंसिलर हैं उनको बताया नहीं? बताया नहीं, वो तो FIR दर्ज भी हुई है, सब कुछ हुआ है। जब एक्सीडेंट होते हैं तो सबको पता ही लगता है पूरे एरिया को। इसकी एक्सीडेंट होने का सबसे मेन कारण है कि इस पर फुटपाथ नहीं है, बचने की कोई जगह नहीं है। और जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे मोस्टली उनमें पैदल रन करते हुए आदमियों का एक्सीडेंट हुआ है, उससे ही टकराया है। फिर शाम को 5 बजे से 8-9 बजे तक इतना ट्रैफिक होता है कि GT कलरा रोड पर भी नहीं होता इतना ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ अस्त में बॉन एंड डिस एरिया है, वहाँ का जो ट्रैफिक है सब यहीं से जाता है। अलीपुर का जो ट्रैफिक है वो भी यहीं से जाता है। वापसी में जो नरला पड़ता है तो रोनी से जो नरला जाने का रास्ता भी यही है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और फुटपाथ है नहीं, उससे बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है लोगों को। यहाँ पे कोई मंथ ऐसा नहीं बीता जिसमें कि एक डेथ ना हुई हो। तो इसकी जानकारी आप लोगों ने जो है विधायक को या वो जो काउंसलर यहाँ पे रहे थे पहले उनको नहीं बताई थी आप लोगों ने? देखो काउंसलर तो हमारे यहाँ की गांव की तो थी नहीं, वो मेट्रो BR की थी, तो वहाँ हमारा कुछ ज़्यादा आना जाना होता नहीं, तो निकलते तो हाँ वो स्कूल में आई थी एक दो बार ओलम्पी, वहाँ उनको बोला गया था आज भी सुनाने लगे, मतलब उन्होंने सुन भी लिया लेकिन कुछ कार्रवाई तो नहीं हुई, अनसुनी होगी। तो विधायक को विधायक के नॉलेज में भी डाला था पीछे, जब उसने भी सुना ज़्यादा बारिश आई तो ज़्यादा बारिश होने के बाद यहाँ सड़क पर पानी भर गया था, तब विधायक जी को भी बोला था जी मतलब यहाँ पे समस्या फुटपाथ की है और नाले की है। एक ये नाला जो ये हमारे यहाँ से नाला जाता है तो इसका उधर पानी निकासी है लेकिन उधर ऊँचाई है, वो सारा पानी उल्टा बैक जाता है, तो उससे भी पानी की समस्या हो जाए और फुटपाथ बन जाए तो एक्सीडेंट की समस्या ना के बराबर हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पैदल चलने वालों के लिए यहाँ अगर फुटपाथ बना दिया जाएगा तो समस्या बहुत ज़्यादा सोल्व हो जाएगी। अब मैं कहूँगा जरा कैमरा मैन से जरा इधर दिखाए, आप ये देखिए यहाँ पर सफाई तक नहीं की गई है रोड के किनारे पर, यहाँ कोई सफाई की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जंगली जीव भी हो सकते हैं, जो जीव जंतु हैं वो जो है जहरीले जीव जंतु नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी न किसी को काट सकते हैं वो। और इसके साथ साथ में सड़क के दोनों तरफ में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जो पैदल आदमी चल सके, और यही सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है कि यहाँ आप देख रहे हैं ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि यहाँ अगर आप पैदल चलने की कोशिश करेंगे तो शायद आपसे यहाँ पैदल चलकर इसको
रोड आप क्रॉस नहीं कर सकते। उसके साथ साथ वो स्कूल है पास में, स्कूल के लिए कोई जेबरा क्रॉसिंग नहीं दी गई है, गांव के अंदर आने जाने के लिए कोई जेबरा क्रॉसिंग नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की अनदेखी होती रही है। और अब समय है चुनाव का, और चुनाव के समय में सभी लोग अब वोट मांगने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की समस्या सुनने के लिए शायद कोई नहीं आ रहा, और अब सुन भी लेते हैं तो अनसुना कर कर चले जाते हैं। तो देखना होगा इस विधानसभा निगम चुनाव के अंदर नरला विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के गांव और इस तरह की समस्याएं किस किस जगह हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। क्योंकि कई जगह तो इस तरह की हालात हैं कि वहाँ की सड़कें इस तरह की हालात हैं कि चलने तक का रास्ता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर शायद कभी काम ही नहीं हुआ हो। हम दिखाते हैं उन जगहों को भी दिखाएंगे कि हालात क्या है। चलिए बने रहिए टैलेंट ऑफ डे साथ।